Welcome back. Well, the Election Commission has revised the polling day for the Haryana Assembly polls. Voting has been deferred from the 1st of October to the 5th of October. No change, however, has been made for the third phase of the Jammu and Kashmir elections, which is set to be held on the 1st of October. The result day for the Assembly polls in Haryana and Jammu and Kashmir has been changed from the 4th to the 8th of October. Election Commission in a notification listed the reasons for the change of the Haryana polling dates. The poll panel cited the centuries-old festival of the Bishnoi community, saying there will be a mass movement of people from the community from Haryana to Rajasthan, and this would have denied a large number of people their voting rights and brought down the voter participation. The EC said that the decision was taken after representations were received from national parties regarding the same. The BJP that had previously petitioned the poll panel welcomed the decision of the Election Commission. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मोहनलाल कौशिक जी ने एक समस्या थी उस समस्या को माननीय चुनाव आयोग के ध्यान में लगाया एक पत्र लिख करके उन्होंने उस समस्या से अवगत कराया कि लगातार छुट्टियां हैं ये चिंता की कि कहीं ना कहीं इसका वोटिंग के ऊपर वोट परसेंटेज कम ना हो मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से उस चिट्ठी के ऊपर संज्ञान लेते हुए निर्णय दिया है तरीकों को बदला है हमारा मकसद ये था कि जो पहले शेड्यूल जारी किया गया था उसमें एक छुट्टी लेने से चुनाव के पास पांच दिन की छुट्टियां बन जाती और संभावना बनी रहती है कि लोग उसके लिए घूमने बाहर चले जाएं या कोई अपने निजी काम दूसरे निपटाएं उससे वोट परसेंटेज गिरती है इसलिए चुनाव आयोग का बहुत बहुत धन्यवाद नहीं इसमें डर की क्या बात है इसमें तो अच्छी बात है कि लोगों को ज्यादा लोगों को वोट डालने का अवसर मिल रहा है कांग्रेस को तो बिना मतलब सुबह उठ के ऐसी गुट्टी पिला रखी है इनको कि सारा दिन बिना मतलब की बात करते उस डेट में जिस डेट में इलेक्शन है हरियाणा में बड़े मात्रा में बिश्नोई समाज के लोग हैं उनके मेन फेस्टिवल उसी दिन है तो स्वाभाविक तौर पे फेस्टिवल के दिन इलेक्शन कमिश्नर चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें जो भी निर्णय लिया है इलेक्शन कमीशन ने लिया है हम लोग उसको स्वागत करते हैं और गणतंत्र में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ नहीं है किंतु हम लोगों ने 10 साल काम किया नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में और राज्य में हमारे दोनों मुख्यमंत्री ने ईमानदारी से काम किया हरियाणा ने जो नहीं देखा बिना पर्ची बिना खर्चा लोगों को नौकरी देना बहुत बड़ी बात है आप गांव में जाइए तो मालूम चलेगा तो ये बीजेपी ने किया जनता जानती है जनता जनार्दन है जनता तय करेगी कौन जीतेगा देश में बहुत सी धार्मिक आस्थाएं रहती हैं और जो जो कारण बताया गया कि हरियाणा में 300-400 साल से जो जम्बेश्वरी गुरु है ये बिश्नोई बिरादरी के हैं तो उनका एक वहाँ पर फेस्टिवल रहता है तो स्वाभाविक बात है कि लोगों का उधर जाना काफ़ी मात्रा में ये लोग हैं उसी को देखते हुए मद्देनज़र अच्छा एक डिसीजन किया गया है स्वागत योग्य कदम है मुझे लगता है कि जिन लोगों को इस कारण से फेस्टिवल के कारण से मौका नहीं मिलता आज उनको मौका मिला But the opposition has raised questions on the change of dates and alleged that the Election Commission was acting at the behest of the BJP. The Congress, the Aam Aadmi Party as well as the JJP joined forces to target the poll panel and called the change of dates a BJP ploy. The opposition, though, said that the BJP will taste defeat in the upcoming polls, no matter on which date the elections are held. चुनाव की तारीखों का बढ़ा दिया गया है चुनाव आयोग का काम है तारीख बढ़ा दी कोई बात नहीं क्या बात है वो तो उसका आपको लगता है कोई साजिश है सर क्या चुनाव आयोग का अधिकार डेट बढ़ा दी कोई बात नहीं आपको लगता है क्या कोई साजिश वो तो हरियाणा में तो पहले हार मान चुके हैं जो पहले हरियाणा सरकार ने पत्र लिखा उसी टाइम मैंने कहा था कि बीजेपी ने हार मान लिया देखिए इलेक्शन कमीशन ने जो निर्णय लिया उसका स्वागत करते हैं मगर ये चीज साफ दिखाती है कि बीजेपी अपनी हार से बचने इस तरह के हथकंडे अपना रही है और तारीख बदलने से क्या हुआ जनता ने मन बना लिया है और इस बार जो मन है वो बीजेपी को प्रदेश से बाहर करने का है और चार दिन हमें तो फायदा है कैंपेन के और मिलेंगे और एग्रेसिवली कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे और इस रण को जीतेंगे ऐसे कि इलेक्शन कमीशन को जिस समय पहले कोड ऑफ कंडक्ट और
सब कुछ किया था, डेटे डिक्लेयर की थी, सभी चीज़ों का वही चीज़ें उस टाइम भी थी, उन सब चीज़ों का संज्ञान लिया जाना चाहिए था। बाद में आफ्टर थॉट देखे कि लॉन्ग वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड में कितने लोग छुट्टी पे चले जाएंगे। ये तो बीजेपी अपनी हार अपने सामने सोच रही है और इलेक्शन कमीशन को मोरा बना के, इस बात को मोरा बना के इलेक्शन को और एक्सटेंड करवा रही है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन हारेगी और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो हथकंडे अपना ले, चुनाव आयोग पे उसकी पकड़ है, चुनाव कैंसिल करवा ले, चुनाव आगे बढ़वा ले या जो भी करवा ले, लेकिन बीजेपी तो इस बार हारेगी। लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी का काउंटडाउन देश में शुरू हो चुका है और बीजेपी अब आने वाला हर चुनाव हारेगी, बहुत बुरी तरह से हारेगी। जनता नकारना शुरू कर चुकी है बीजेपी को। ये भी इलेक्शन कमीशन की जो बात है, क्या उस वक्त उनको नहीं पता था कि कोई फेस्टिवल है क्या है? वो तो सारे डेट्स को देख के ही फिर फाइनल डेट मुकरर करते हैं। तो इलेक्शन कमीशन अभी इलेक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ तो इसको ये सस्पिशियस बना रहे हैं। My colleague Tejshri is joining us on the broadcast with the details. Tejshri, war of words between the BJP and the other parties ahead of the assembly elections after the date change. Take us through what the controversy is all about. Well, yes, first of all, let me tell you that elections were supposed to be held on 1st of October, the Haryana Assembly elections, but now the date has been postponed and it will be held on 5th of October. Now, on one hand, where the Congress says that the Election Commission is acting at the behest of the BJP, BJP says that it has been done because of certain reasons, and what Election Commission has mentioned that this has been done because on 2nd of October, there is a festival of Bishnoi Samaj for which they will have to travel to Rajasthan, is what the Bishnoi Samaj representatives have said. And people from several parts of Haryana, like Hisar, Fatehabad, they will have to travel to Rajasthan. They will be travelling and on 1st, on which there is a which is the voting day, and this will be a denial to their voting rights, and that is why they requested for the postponement of the elections, and that is why perhaps the Election Commission postponed the dates. Now also remember that what BJP is saying, and it is also a fact that this is certainly not for the first time that Election Commission has postponed state assembly elections. Earlier also, so in the 2022 Punjab assembly elections were postponed because of the festival, then Manipur assembly elections were postponed in the year 2022 because of the Christmas, and then in 2012 Uttar Pradesh assembly elections were postponed. So you see, all in all, the Punjab assembly, this Haryana assembly elections have been cancelled, Election Commission says, because of the festival, and that there will be a denial to the rights of right to vote of the people, number one, and also the people will not be able to come out and vote in large numbers. The voter turnout will also be less because they will be travelling to some other state to celebrate their festival. On one hand, they are coming out with the fact that the voter turnout will be less and people will be travelling. On the other hand, we are seeing opposition parties, which includes Congress and Aam Aadmi Party, okay, they are strongly attacking the BJP and saying that the BJP is not sure that they will be winning, and that is why they are playing such tactics to delay the election so that they can bargain more time. Okay, all right. Tejshri, thank you for joining us with those inputs. On that note, we're slipping into a short break here. We'll be right back. Stay with us. I am the future that was born 100 years ago. I am the purpose that emerged with India's independence. To be a force for business that takes India to the world and the world to India. Creating pathways of self-reliance. To stand for progress, the planet, and the people. Towards a future made perfect. And be a force creating abundance. Because independence is not a moment in history. It's a never-ending path to prosperity. Aditya Birla Group, a force for good.